प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सेंसिटिव वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 10,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, जो कि एक बहुत ही अफसोसजनक खबर है। तो इसी मुद्दे पर आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकजी को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया अलाई खान जी का। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जो जनता दो दो साल से पश्चिम बंगाल में रोड पर धरना पे बैठी हुई है, जो लोग 10-10 साल से शारदा नारदा रोज वैली चिटफंड के लिए रो रहे हैं कि लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी है, आज भी वो इंतजार में बैठे हैं कि कभी तो न्याय होगा। और जब फ्लो में कोई मैटर आता है तो कोई एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट बेंच ही चेंज कर देता है। तो एक दोहरा शक्ल तो दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। मैं तो आज सुबह से बंगाली चैनल्स को यही कह रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 196 बच्चे जो पैदा हुए हैं जेल में, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला जा चुका है, ऑलरेडी जा चुका है, तो उसमें डेट क्यों दिया गया है भाई? अंजुमन इंतजामिया के लिए तो पूरी रात हो जाती है, हमारे जस्टिस के पास मिल जाती है, पूरी रात वो पढ़ लेते हैं, सुबह 7 बजे रजिस्ट्रार से फोन भी करवा देते हैं अंजुमन इंतजामिया के लॉयर्स को। पर महिलाओं से रिलेटेड कोई मैटर जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इतना मतलब स्लकिश क्यों फील किया जाता है? द सेकेंड थिंग इज के 2019 से 2024 आ गया है, मेरा पॉलीगेमी हलाला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर रुका हुआ है। 19 में मैंने फाइल किया था, 2024 आ चुका है और अभी भी जब तक वही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे अटका हुआ है, कभी ये बेंच पे जा रहा है, कभी वो बेंच पे जा रहा है, कभी वो बेंच पे जा रहा है। तो मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर महिला ईव टीजिंग का, मोलेस्टेशन का या डेफेमेशन का कोई पिटिशन अगर फाइल करती है न्यायपालिका में, तो उसको रद्दी खाते में फेंकने की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है, सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है कि उसमें धूल लग जाए, डेट पे डेट चला जाए, या महिला खुद परेशान होकर के उसको विड्रॉ कर दे, वो सोचे कि छोड़ो अब तो मिलने वाला नहीं है इंसाफ, बेइज्जत मैं आज हुई हूँ अब मेरे को 20 साल के बाद मिलेगा इंसाफ, तो फिर जाने दो, मेरा ही तो पैसा खर्च हो रहा है, मुझे ही तो टाइम देना पड़ रहा है, सो इट्स बेटर के जाने दो। तो इसी वजह से बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट आ जाती है एनसीआरबी की कि बंगाल में महिलाएं बहुत सुरक्षित है, कितनी खूबसूरत रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है ये तो हमें पता है ना, क्योंकि हम तो अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं। और जब ऐसे ऐसे मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो फिर भाई उस पर तो उसको तो धूल 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 में फेंक दिया जाता है, महिलाओं के पेशेंस का इम्तिहान लिया जाता है। तो भले ही जमाना चेंज हो रहा है, इरा चेंज हो रहा है, पर औरतें आज भी निहत्थी ही दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल लावारिस ही दिखाई दे रही हैं। नाज़िया जी, मैं अक्सर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात बड़े सोच विचार के करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कोई अवहेलना ना हो जाए, कोई मान हानि का केस ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मुझे भी मिली है ना। अगर मुझे लगता है कि ये इसमें कहीं शक शुबा है तो मैं बोल सकती हूँ, इतनी आज़ादी तो मेरे पास भी है। आप देखो ना, अगर वो तीस्ता सीतलवाड़ का मामला आता है, शनिवार के दिन 3-3 बेंच बन जाते हैं, तो आम जनता तो पूछेगी ना सवाल कि मेरा केस तो सालों से लटका हुआ है जनाब, मुझे तो आज तक अन्याय नहीं मिल पाया, लेकिन एक महिला आती है, मेंशन होता है केस 3-3, वो मतलब उसमें साफ दिख रहा था कि किसी ना किसी तरीके से जमानत देनी ही देनी है। दो जजेस अगर जमानत नहीं देते उनमें से एक एक आ जाता है बराबर में, तो शायद नलीफाई हो जाता होगा, आप बेहतर समझते हैं। 3 जजों की बेंच में ये होता है कि अगर दोनों एक एक हो जाए तो तीसरे वाले के पास तो वीटो रहता है ना, मैं इधर चले जाऊं उधर चले जाऊं, ऐसे ही होता होगा शायद। मैं तो सोच के चलती हूँ आम आदमी की तरह, मैं बहुत ज्यादा कानून को आपके नजरिए से देख रही हूँ या आपसे समझना चाह रही हूँ। तो ये तो लोग बोलते हैं ना कि देखो उनको तो ऐसे बेंच बनाए गए कि बस आज तो आज की रात उनको जमानत दे देनी है, रात 9:30 बजे जमानत का फैसला आया था, याद है ना? हाँ जी बिल्कुल याद है, मुझे बिल्कुल याद है। सुबह 4-4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुला रहा है आतंकवादियों के लिए, बलात्कारियों के लिए सुबह 4-4 बजे तक खुला रहा है, किस लिए? ह्यूमन राइट्स पिटिशंस जा रहे हैं। अभी देखिए ना, राष्ट्रपति के पास गया है ह्यूमन राइट्स पिटिशन सीमा गुलाम हैदर के लिए, बताइए आप सोचिए। और वो जो अपने देश में जो महिलाएं बंगाल में, जिनकी हालत पाकिस्तान में जो हिंदू लड़कियों के साथ होता है, बिल्कुल वही तो हो रहा है वहां पर।
आपने कितने प्रोग्राम्स बार बार कहा है कि देखिए ये तो मुझे तो लगता है कि बंगाल सच में मिनी पाकिस्तान बन चुका है। हाँ, मैं तो एक नहीं 1000 बार आपके साथ ही बैठ करके मैंने कहा है कि भाई फरहाद हकीम ने ऐलानिया कहा था और वो भी पाकिस्तान के डॉन न्यूज पेपर को कहा था। मैं बार बार कह रही हूँ कि फरहाद हकीम के ऊपर बहुत इंक्वायरी बैठानी चाहिए कि उसका पाकिस्तान से रिलेशन क्या है। और तृणमूल कांग्रेस की सरकार में एक मंत्री और उसका बेटा वो तो पाकिस्तान के पेशावर का है। अगर उसके सिर्फ ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर का नाम पूछ लिया जाएगा तो अवेसी की तरह नहीं बता पाएगा, उसको पता ही नहीं है। और अगर वो बताएगा, पहले तो वो छुपाने की कोशिश करेगा, और अगर उससे जोर जबरदस्ती पूछा जाएगा तो पूरा शिजरा पाकिस्तान पेशावर का निकल जाएगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा। अब देखिए जावेरिया आई है, पड़ी हुई है पश्चिम बंगाल में, कहाँ गई बताइए मुझे, गई वो नहीं गई। अभी 15 दिन पहले UPATS ने 7 महिलाओं को अरेस्ट किया जो फेक फेसबुक के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ के इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान भेज रही थी। लेकिन देखिए सीमा गुलाम हैदर आराम से यूट्यूब चैनल चला रही है, आराम से इंस्टाग्राम के 4-4, 5-5 अकाउंट चला रही है, और लोग देखना पसंद करते हैं, लोग उसको देखना पसंद करते हैं। बूढ़े बूढ़े मर्द उसको 5000 रुपए देते हैं, साड़ी देते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं। कल को वो बम फोड़ देगी तो सारे यही लोग उठ करके खड़े होंगे कि देखो सरकार कितनी निकम्मी है। हम लोग बोले थे रखने के लिए, हम लोग तो बोले नहीं थे, अभी उसके उछल उछल के जाते हैं उसको देखने के लिए। हमारे भारत का ही एक वकील ना उसके लिए बोलता है कि रघुपुरा से कोई एक मुर्गी नहीं ले जा सकता है, सीमा गुलाम हैदर को क्या लेकर जाएगा, पूरे सरकार को वो ललकार रहा है। लेकिन लोग मस्ती में है, सीमा गुलाम हैदर आटा कैसे गूंदती है ये भी लोगों को देखना पसंद है। तिरंगे झंडे की ट्राइकलर की साड़ी पहन करके वो नाचती है, कमर हिलाती है, जो एंटी नेशनल सेक्शंस में जाता है वो भी लोगों को पसंद है देखना, वो भी लोग देखते हैं। जी नाजिया जी, हमने और आपने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो कि नेता हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, फिर भी भड़काऊ भाषण देते हैं। बस उनको अभी ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला देख लो, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उसके खिलाफ तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक नूपुर शर्मा ने जो बात कही थी उसके बाद उसकी कैसे फजीहत की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो बातें आदेश में नहीं थी वो बातें जो वर्बली बोली गई थी, टीका टिप्पणियां जजेस की तरफ से की गई थी, वो किस दायरे में आती है। देखिए अभी तो एकदम फ्रेश, मैं इतनी दूर आपने बहुत खूबसूरत बात उठाई है, अभी फ्रेश मैं कह देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, राम मंदिर के जजमेंट को ही अवेसी से लेकर के, तौकीर से लेकर के, सलमान से लेकर के, मदनी से लेकर के, रहमानी से लेकर के, ममता बनर्जी से लेकर के, अखिलेश यादव से लेकर के, जोड़ा अवेसी से लेकर के, हर किसी ने कह दिया ना कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे, ये धोखा हुआ है मुसलमानों के साथ। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो होता ही है उनके ऊपर लागू, उनके ऊपर तो होता ही है लागू, पर नहीं होगा। डराया सिर्फ हम जैसे राष्ट्रवाद लोगों को जाता है, कानून का डर हमारे अंदर डाला गया है, ऐसे लोगों के अंदर नहीं डाला गया है जिनके बाप दादा ट्रेटर के नाम पर और लैंड ग्रैपर के नाम पर जेल खट करके आ चुके हैं। ऐसे लोगों को कोर्ट नहीं डराता है, हम जैसे लोगों को कोर्ट डराता है। तो मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट के द्वारा अगर वो लोग अपनी बातें रख सकते हैं और भारत के माहौल को अगर बिगाड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं, तो हम तो कम से कम अपने दिल का जो दर्द है वो तो रख ही सकते हैं। हम तो अपने दिल का दर्द रख रहे हैं, हम तो संदेश खाली की महिलाओं का दर्द के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो उस 196 महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रिजनर थी और जिनका जेल के अंदर बलात्कार हुआ है। तो अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो फिर हम लोगों को जहर खा के मर जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जब अपने अपने इज्जत आबरू के लिए भी बात नहीं कर सकती हैं, और जोड़ा अवेसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा करके 82.7% सनातनियों का गला काटने की धमकी दे सकता है और वो जेल नहीं जाएगा, तो भाई ये तो फिर वन साइडेड लॉ है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उस पर एक सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को लेकर ममता सरकार को सीधे सीधे नोटिस भेजना चाहिए था, और अब तक तो वो जो रजिस्टर थे एंट्री के एग्जिट के कि कौन किससे कब मिलने आया, वो रजिस्टर तो अब तक किसी ना किसी जांच एजेंसी के पास होने चाहिए थे ताकि उन दस्तावेजों को कोई तहस नहस ना करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी तो सड़कों पर
महिलाओं के दर्द के लिए, महिलाओं के आंसू के लिए ना 1984 में सुप्रीम कोर्ट के पास समय था, ना 2024 में समय है। नहीं है समय, क्या कर सकते हैं हम हमें अभी और सहना होगा, हमें अभी और बर्दाश्त करना होगा, हमें अभी और रोना होगा, हमें हमारे पैरों को अभी और भी चीरा जाएगा जबरदस्ती, फोर्सिबली। हमें अभी बहुत सारे अग्नि परीक्षा देनी बाकी है। अब एक आस है जो अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री ने जो नए कानून लाए हैं उस पर एक आस है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो शायद मुझे लगता है कि महिलाओं के मान सम्मान का एक जरिया खुलेगा कि कानून हमारी बात भी सुनेगा। अदरवाइज मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से 1984 से लेकर के 2024 तक में, मैंने फरवरी 2024 तक में मैंने तो नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के दर्द और आंसू पर कोई पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, मैंने तो नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने अपनी बुलंद आवाज से बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। जैसे कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल अब एक तरीके से मिनी पाकिस्तान बन चुका है, जहाँ पे जेल के अंदर ही 196 औरतें जो हैं या महिलाएं हम कहें वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और आपने देखा नाजिया खान जी ने सीमा हैदर को भी आड़े हाथों लिया कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के लिए तो आवाज़ उठाते हैं, उसको तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, पर भारत में महिलाएं जो खासकर हिंदू लड़कियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और एक बात बिल्कुल नाजिया खान जी ने सही कही कि अब मोदी जी और अमित शाह जी की जो सरकार है उनकी सही अग्नि परीक्षा अब होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।